बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर उत्तर प्रदेश। आई एम बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग अ चांस, गोल्डन चांस टू मीट अ प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आई एम आदित्य फ्रॉम क्लास 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V.S. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. Namaskar, main Soumya Tiwari, केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे, जो भी बातें हैं हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा अच्छा बोलेंगे बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे, इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम की अब कुछ ही पलों में शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में उस मंच पर होंगे जहाँ से वो छात्रों से बात कर पाएंगे, परीक्षा में कैसे अच्छे अंक हासिल किए जाएं, कैसे अपने आप को दबाव मुक्त रखा जा सके, उसके टिप्स छात्रों के साथ वो साझा करेंगे। और जो छात्र इस कार्यक्रम में सीधे नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिन्हें टीवी देखना पसंद नहीं है, जो वीडियो ऑडियो से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, उनके लिए परीक्षा पर चर्चा से संस्करण की बुक्स भी हैं बाजार में, उनको पढ़ के छात्र अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। PM मोदी का ये परीक्षा पे चर्चा संवाद 5वां संस्करण अब कुछ ही पलों में शुरू होगा। 2 साल बाद ऑन ग्राउंड इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2 बार कोविड के चलते इस कार्यक्रम को वर्चुअल किया गया था, लेकिन आज भी ये कार्यक्रम ऑन ग्राउंड के अलावा वर्चुअली अलग अलग प्रदेशों के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद कर पाएंगे। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर मौजूद तमाम छात्र अभिभावक और टीचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने पहुँचकर तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स, कलाकृति और तमाम आधुनिक यंत्रों का अवलोकन किया, बच्चों से समझा, उनके आइडियाज को जानने की कोशिश की। 2 बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनके ऑटोग्राफ और नंबर भी लिए हैं। संभवतया प्रधानमंत्री बाद में उनसे इस बारे में और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। 3D प्रिंटर उन्होंने तैयार किया था उन छात्रों ने। हम भी कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के बाद उन बच्चों से बात कर सकें कि आखिर प्रधानमंत्री ने उनका नंबर और ऑटोग्राफ क्यों लिए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल तमाम जो 1000 से ज़्यादा छात्र अभिभावक और टीचर मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 तस्वीरों आप देख रहे हैं, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ वहाँ पर कुछ छात्रों के साथ मौजूद हैं और देहरादून से पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी छात्रों के साथ मौजूद हैं। वर्चुअली ये लोग इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ेंगे और यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ छात्रों के साथ सीधे सवाल ले सकते हैं। ये 3 तस्वीरें ABP न्यूज़ की स्क्रीन पर। परीक्षा पर चर्चा ग्राउंड जीरो तालकटोरा स्टेडियम की पहली तस्वीर, जहां पर अब से कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे छात्रों टीचरों अभिभावकों के साथ
संवाद करेंगे, जबकि बाकी दो तस्वीरें लखनऊ और देहरादून से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कुछ छात्रों के साथ मौजूद हैं, ताकि वो यहां से वर्चुअल जोड़कर इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को परीक्षा के मंत्र प्रधानमंत्री से सीधे पहुंचा सकें। सफलता का मंत्र क्या है और अपने आप को किस तरह से आप आने वाले समय के लिए तैयार करें, यही चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ। बच्चों के लिए, बच्चों ने प्रधानमंत्री के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम भी तैयार किया है, साथ ही पेंटिंग की एग्जीबिशन भी इससे पहले दिखाई गई है। और देखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान में रखते हुए हर छात्र ने मास्क पहना है, उनके साथ उनके टीचर्स भी आए हैं, अभिभावक भी आए हैं, और सभी को मौका मिलेगा। इनमें से कुछ लोगों को चुना भी गया है कौन सवाल सीधा पूछ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से। ना सिर्फ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में ये 1000 छात्रों से प्रधानमंत्री मुखातिब होने वाले हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में भी अरेंजमेंट किए गए हैं। कैसे, वहां जो छात्र हैं वो पीएम से बात करें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।